बेटा तेरे पास तो 500 के 7-8 से बस दो ही कैसे बचे? ओ हाँ, तूने रात को कुछ बता रहा था, तेरे साथ टैक्सी में कुछ हुआ था, क्या था वो? कहीं वो स्कैम तो नहीं? हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाली हूँ जिसको सुन के आप लोग दंग रह जाओगे। हाल ही में हमारे साथ कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था, तो इस वीडियो में मैं आपके साथ वो इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं मुंबई से। आप लोग सब जानते हो मुंबई, सबने सुना है, ये इंडिया की लार्जेस्ट सिटी है और मुंबई नगरिया कभी सोती नहीं है। चाहे आपके रात को 12 बजे जाओ कि सुबह के 2 बजे जाओ, मुंबई चलती रहती है। चाहे यहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाओ या फिर बाढ़ आ जाए, मुंबई चलती ही रहती है। लाखों लोग आते हैं यहाँ अपने आँखों में सपना लेके। कोई बड़ा स्टार बनना चाहता है तो कोई आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता है। सबके लिए यहाँ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी है। तो महाराष्ट्र में लोकेटेड ये मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ लोग कभी न कभी जरूर आते हैं। या तो आप कनेक्टिंग फ्लाइट लेने आते हो, या वेकेशन के लिए आते हो, या फिर अपने सपने को पूरा करने के लिए आते हो। और यहाँ आने के लिए या तो आप ट्रेन पकड़ोगे या फिर फ्लाइट पकड़ोगे। फ्लाइट लेके आते हो तो आपको यहाँ के एयरपोर्ट पे आना ही। जब आप लैंड करते हो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप कम्यूट कैसे करोगे। तो या तो आप ओला उबर लोगे या फिर आप प्रीपेड टैक्सी लोगे। तो प्रीपेड टैक्सी के काउंटर हर एयरपोर्ट में बने रहते। हाल ही में मेरा बेटा बैंगलोर से मुंबई आ रहा था। उसकी फ्लाइट जो थी वो रात की थी, तो वो रात को 12 बजे मुंबई लैंड किया और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे आया। हम लोग उसको लेने नहीं गए थे, हम लोग बोले भाई तुम अपने आप आ जाओ, वहाँ पे प्रीपेड टैक्सी है, तो प्रीपेड टैक्सी लेके अपने आप आ जाओ। हमको लगा प्रीपेड टैक्सी इज वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन इवन कम्पेयर टू ओला उबर। क्योंकि क्या होता है, वहाँ पे आपका एड्रेस नोट डाउन होता है, आपको रिसिप्ट मिलती है, तो हमको लगा कि वो बेस्ट है, आप वही लेके आओ। तो जब तक हम डिसाइड करते ना, वो एग्जिट गेट क्रॉस कर चुका था और मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे प्रीपेड टैक्सी का काउंटर एयरपोर्ट के अंदर है। तो वापस कैसे जाए? तो जब वो बाहर निकला, कई लोग थे जो प्रीपेड टैक्सी प्रोवाइड कर रहे थे। उसको लगा कि ये लोग भी, ये प्रीपेड टैक्सी जो अंदर वाली है उसी का एक्सटेंशन है। तो उसने उनसे बात कर ली, उन लोगों ने भी उसको एक चार्ट दिखाया, क्योंकि रेट फिक्स होते हैं लोकेशन वाइज। तो उसको लगा भाई जेन्यून ही होगा, क्योंकि जब चार्ट वार्ट लेके खड़े हैं, रेट भी फिक्स है, तो चलो भाई मैं इसी में चला जाता हूँ। तो हमारे लोकेशन का उन लोगों ने 900 रुपीज़ बताया, तो ये एग्री हो गया था। वो उसको पिकअप पॉइंट तक लेके गया और वहाँ पे टैक्सी में मेरा बेटा बैठ गया अपना लगेज वगैरह लेके, और जो हेड था वो ड्राइवर के बाजू वाली सीट में बैठ गया। जैसे ही वो बैठा, ड्राइवर ने ब्लू लाइट ऑन कर दी। जब ब्लू लाइट ऑन करी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो पेमेंट क्या हुआ ना, वो बंदे ने नीचे नहीं लिया, उसने बोला आप यहीं दे दो। जैसे ही बैठा तो उसने उससे 900 रुपीज़ मांगे। तो मेरे बेटे के पास 500 के नोट थे, तो उसने दो नोट निकाल के दे दिए। उस बंदे ने नोटों को थोड़ा नीचे लिया, आगे वाली सीट पे बैठा था, थोड़े नीचे लिया और बोला कि बेटा तुमने ना एक 500 का दिया और एक 100 का नोट दिया है, तो ये एक्सचेंज करके मुझे 500 का दो। तो मेरे बेटे को लगा हो सकता है मेरे से गलती हो गई है, तो उसने वो 100 रुपीज़ का नोट लिया और 500 का नोट रिटर्न किया। फिर उसने बोला कि बेटा ये आपने फिर मिस्टेक किया, आपने फिर मुझे 100 का नोट दिया, आप ठीक से देखो। क्योंकि वहाँ ब्लू लाइट जल रही थी, इसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ही वॉज लिटल कन्फ्यूज। तो उसको लगा कि हाँ मेरे से गलती हो गई, तो उसने फिर वो 100 रुपीज का लिया और फिर उसको 500 का एक नोट दिया। ऐसे करते करते चार बार ये चीज हुई। पेइंग जहाँ 900 रुपया पे करना था, वी एंडेड अप पेइंग 2100। उसके बाद वो बंदा गाड़ी से उतर जाता है और इन लोग अपने टैक्सी में आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा सा लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं बार बार ऐसे मिस्टेक क्यों कर रहा हूँ। थोड़ा सा डर भी गया था, क्योंकि पहली बार वो रात को अकेला आ रहा था, इसलिए वो चुपचाप बैठा रहा। थोड़ा आगे जाने के बाद उसने थोड़ा सा रिसर्च करना स्टार्ट किया कि उसके साथ आज हो क्या रहा है। उसको थोड़ा सा अंदाजा लगा कि हाँ ये सही नहीं है, कुछ तो इसके साथ गलत हुआ है। पर वो चुपचाप घर आ गया, घर आके सो गया। बस बोला मम्मा आज कुछ गड़बड़ हुआ है, मैं आपको सुबह बताता हूँ। नेक्स्ट डे उसका वॉलेट टेबल पे रखा था, तो मैंने उसको उठा के देखा तो उसमें खाली 2 500 के नोट थे। तब मैंने उसको पूछा कि आखिर हुआ क्या था, तब उसने मुझे पूरा इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ। तब हमने जब इंटरनेट पे देखा तो ऐसे इंसिडेंट पहले भी लोगों के साथ हुए हुए, ये कोई नया नहीं था, बट हमारे साथ ये पहली बार हुआ, तो हमको तभी पता चला। जब ना किसी के साथ कुछ होता ना, तब उसको समझ में आता कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है क्या, इससे हमें लर्निंग लेनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि भाई आप लोग के साथ ये इंसिडेंट ना हो, इसलिए ये वीडियो जरूर देखिएगा। जो मिस्टेक हमने करी, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये थी कि हमने रिसिप्ट नहीं मांगी, हमको पैसे वहीं दे के गाड़ी में चढ़ने के पहले पैसे देने चाहिए थे, रिसिप्ट लेने चाहिए। वो गलती आप लोग मत करिए। प्रीपेड टैक्सी में हमेशा पहले रिसिप्ट मिलती है,
गाड़ी का नंबर लिखा हुआ रहता है, आप पिकअप पॉइंट में जाते हो और वहाँ से टैक्सी लेते हो, ये 24 आवर्स चालू रहता है। तो ये मिस्टेक आप लोग मत करिएगा। वेकेशन का टाइम है, काफ़ी लोग मुंबई आ रहे होंगे और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर भी आएंगे, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप लोग सतर्क रहिएगा। तो बस यही मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अब मैं आप लोग से लूँगी विदा, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।